गाजा में जमीनी जंग का फुल रिहर्सल। उत्तरी गाजा में घुसे इजरायली टैंक। हमास आतंकियों के कई ठिकाने तबाह। ताकत दिखाकर लौटे इजरायली सैनिक। गाजा पर बड़े हमले में सिर्फ कुछ घंटे बाकी। सात अक्टूबर को हुए आतंकी हमलों के बाद से ही इजरायल हमास को मिटाने में जुटा हुआ है। गाजा पर हो रहे ताबड़तोड़ हवाई हमलों ने हमास की कमर तोड़ कर रख दी है। उसके कई आतंकियों को मरने के बाद कब्र भी नसीब नहीं हुई। उसके कई कमांडर भी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। और इस बीच युद्ध का तीसरा हफ्ता पूरा होने से पहले इजरायल ने हमास को मिटाने के अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी है। गाजा में घुसकर जमीनी जंग। वैसे तो गाजा की सीमा पर कई दिनों से टैंकों के साथ इजरायल के सैनिक तैनात हैं, लेकिन पहली बार ये इजरायली टैंक गाजा में घुसे। आईडीएफ के मुताबिक कई टैंकों के साथ इजरायली सैनिक उत्तरी गाजा में घुसे और हमास आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। आतंकियों की सटीक जानकारी के बाद घुसे सैनिकों ने बड़ा हमला किया। हमास के टैंक रोधी ठिकानों को बर्बाद किया और फिर वापस इजरायल की सीमा में आ गए। आईडीएफ ने उत्तरी इजरायल पर हुए हमलों की जो तस्वीरें जारी की हैं, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि रिहर्सल ऐसा है तो युद्ध कैसा होगा। देखिए कैसे कतार में इजरायल के टैंक उत्तरी गाजा में घुसते जा रहे हैं। खाली जमीन हो, उबड़ खाबड़ रास्ते हो, चाहे गहरे गड्ढे हो, टैंक बड़ी आसानी से रास्ते को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस दौरान वो आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह भी कर रहे हैं। एक एक ठिकाने को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद वहां दिख रहा है तो सिर्फ धुआं धुआं और धुआं, जिसे गाजा में बहुत दूर से भी आसानी से देखा जा सकता है। आईडीएफ ने सेना के इस ऑपरेशन के दौरान कमांडर सेंटर का भी वीडियो भेजा है, जिसमें अधिकारी पूरे मिशन पर निगरानी करते और सैनिकों को कमांड देते नजर आ रहे हैं। इजरायल के सेक्शन को बड़े जमीनी जंग से पहले का रिहर्सल माना जा रहा है। जाहिर है अब जल्द ही जमीनी जंग शुरू हो सकती है, जिसका ऐलान इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कर दिया है। השבעה באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות. גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה. गाजा के सीमाओं पर खड़े टैंक और सैनिकों को अब बस इंतजार है एक आदेश का और शुरू हो जाएगी गाजा में जमीनी जंग। 7 अक्टूबर को हुए हमले के कुछ दिनों बाद ही इजरायल ने गाजा पर जमीनी जंग का ऐलान कर दिया था और हमलों के बाद बनी युद्ध कैबिनेट में पल पल इस पर मंथन भी चल रहा है, जिसकी निगरानी खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू कर रहे हैं। जाहिर है जमीनी जंग का यह पहला कामयाब चरण इजरायली सेना में जोश भरने के लिए काफी है, जिसका असर अब गाजा में एक्शन के अगले चरण में जरूर दिखेगा।